भाई हमारे यहाँ पे जब भी कोई फिल्म स्टार आते हैं हम लोग उनको प्यार से बुलाते हैं, जिनकी फिल्म आ रही होती है। लेकिन अब जिसकी फिल्म आ रही है वो तो अपने घर का ही बंदा है, आपका छोटा भाई है। क्या कमाल का काम किया उसने फिल्म में। अब मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहोगे अपनी तारीफ कर रहा है खुद की। हाँ। आप सबकी जोरदार ताले के बीच इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म किस किस को प्यार करूं के हीरो मिस्टर कपिल शर्मा को। देखा भाजी सेम टू सेम दिख रहे ना, हाय शट अप। शक्ल मिलती इसका मतलब ये नहीं कि हाथ भी मिला लूंगा। फिल्म आ रही मेरी, छोटे मोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता मैं। एनीवेज कपिल आपका कपिल जी जी कपिल जी आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ठीक है कुछ नया बोलो। कपिल जी आप इतने सालों से कॉमेडी कर रहे हैं, इतना बड़ा शो बना लिया आपने, आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं, आप सफाई अभियान के एम्बेसडर भी हैं, इतना सब कर लेने के बाद आपने ये सोचा था कि आप एक सोचा था? मैंने तो सोचा था कि कॉमेडी नाइट्स में आऊंगा, तू तो खाली बोल ही रहा है। टीवी वाले लोग भी ना बड़ा देर में सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल आपकी शक्ल इतनी अच्छी है कि आसानी से रिजेक्ट हो सकते थे, आपको इतनी बड़ी फिल्म में ब्रेक मिल कैसे गया? तुझे भी तो ऐसी शक्ल के साथ इतना बड़ा शो मिला ना। बकवास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कपिल जी जी नहीं भूलना। आइए बैठ के बात करते हैं प्लीज। तुम उधर बैठो मैं इधर बैठता हूँ। हाँ तो कपिल जी आपने अपनी पहली फिल्म में चार हीरोइंस के साथ रोमांस किया, तो तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको पता चला कि आप चार चार हीरोइंस के साथ रोमांस करने वाले हैं तो आपका रिएक्शन क्या था? दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू नो व्हेन आई गॉट टू नो दैट देयर आर फोर हीरोइंस, तो मैंने सोचा कि एक मेरी होगी, एक वरुण की होगी, दो बासमस्तान की होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार मेरे साथ थी। तो फिर ये सुनकर मैंने अपनी पेमेंट भी नहीं पूछी उनसे। वैसे जैसे आपकी शक्ल है आपका तो थैंक यू बनता था, आपने पेमेंट के बारे में सोच भी कैसे लिया? तेरी शक्ल पे गेट आउट बनता है, फिर भी बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहा है ना। यार तुम में अकड़ बहुत है। हाँ तो मेरी फिल्म आ रही है, अकड़ नहीं होगी तेरी तरह थोड़ी। कॉमेडी नाइट्स हर रविवार। अच्छा मैंने ट्रेलर में देखा कि इसमें आपकी तीन बीवियां हैं और तीनों की तीनों इंडियन हैं, और जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो विदेशी है, तो तीनों इंडियन बीवियों के साथ आपका रोमांस निकल नहीं रहा था जो आपने गर्लफ्रेंड जो है विदेश से इंपोर्ट कराई? लिसन ब्रो, जिसकी खुद की बीवी मेंढक जैसी हो ना उसको दूसरों की गर्लफ्रेंड के बारे में छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। अब्बास मस्तान हमेशा ही थ्रिलर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो इस फिल्म में ऐसा कोई थ्रिलर था जिसको सुन के आपके होश उड़ गए हो? या बिल्कुल, जब उन्होंने मेरे पेमेंट के बारे में बताया तो यू नो मेरे होश उड़ गए, बिकॉज उन्होंने मुझे न्यू कमर जैसा नहीं बिल्कुल एज एक सुपरस्टार जितना पेमेंट ऑफर किया। वाह वेरी गुड। तो कितना पेमेंट था आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो अपने शो की कमाई में ध्यान दे, मेरे बटुए में क्यों घुस रहा है? आजकल फिल्मों में जितने भी लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, वो यू नो एक अच्छी बॉडी बना के आते हैं, डांस सीख के आते हैं, आपने ऐसी कोई तैयारी क्यों नहीं की? मैंने तुमसे पूछा तूने अपनी बीवी के होठ अंदर क्यों नहीं कराए? आपने इस फिल्म में एक्टिंग की, आपने इसमें डांस भी किया, आपने इसमें गाने भी गाए, तो आप में टैलेंट ज्यादा है कि फिल्म का बजट कम था? बकवास क्वेश्चन। नेक्स्ट। कल रहने दे मैं बोलता हूं। दोस्तों 25 सितंबर को मेरी फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूं, आप सब अपने परिवार के साथ जाइए, बड़ी पारिवारिक फिल्म है, नजदीकी सिनेमाघर में देख सकते हैं और दूर दूर के सिनेमाघर में भी देख सकते हैं। देख कर